यस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या बोलते थे बच्चों लोग, अल्फा बोलते थे। और इस अल्फा का फॉर्मूला हमने लिखा था, हाउ मेनी मोल डिसोसिएट, हाउ मेनी मोल डिसोसिएट डिवाइड बाय हाउ मेनी मोल टेकन इनिशियली, हाउ मेनी मोल्स टेकन इनिशियली। ठीक है, तो यस। और डिसोसिएशन मतलब क्या बच्चों लोग, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब क्या, हाउ मेनी मोल डिसोसिएट, हाउ मेनी मोल्स डिसोसिएट, कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं डिवाइड बाय कितने मोल आपने लिए थे। ओके, तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा बच्चों लोग, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो कि आपके पास 500 मोल है, उसमें से ये आप एकदम स्टार्टिंग में लिए थे, और कुछ टाइम बाद आपके 500 में से 200 मोल आगे गए, तो प्रोडक्ट जो था वो आपका यहाँ पे 200 बना। तो यहाँ पे बोलो स्टूडेंट, डिसोसिएशन कितना है, डिसोसिएशन कितना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, ठीक है, डिसोसिएशन कितना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। यस, कौन बताएगा मुझे। हाँ, डिसोसिएशन कितना है, डिसोसिएशन कितना है बच्चों लोग, 200 डिसोसिएशन है, वेरी गुड। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है बच्चों लोग, 200 डिवाइड बाय 500, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा बच्चों लोग, यस 0.4, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब ये अल्फा हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं रहेगी, अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है यहाँ पे ये 100% डिसोसिएशन है। और अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है लेस देन 1, तो इसको पार्शियल बोला जाएगा बच्चों लोग, हाँ पार्शियल, पार्शियली डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट, समझ में आ रहा है बच्चों लोग, यस, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो मैं आपको एकदम बेसिक से टॉपिक को पढ़ाता हूँ, एकदम बेसिक से स्टूडेंट, ओके। तो बड़े ध्यान से देखना है इसको, सुनना है। अभी देखो मैं आपको एक केस बताता हूं, अभी यहाँ पे आपको मान के चलो कि आपका यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, यहाँ पे पहले आपको ये क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का सीधा मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यस। और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए राइज टू पावर ए, मान के चलो कि यहाँ पे ए इट गिव्स बी रिएक्शन हो रही थी, ए की स्टोइकोमेट्री स्मॉल है, बी की स्टोइकोमेट्री स्मॉल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या था, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी राइज टू पावर बी, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन का फॉर्मूला है आपके पास, केफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी राइज टू पावर बी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, के एफ डिवाइड बाय के बी इज इक्वल टू
आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब ये प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए राइज टू पावर ए। तो रेट ध्यान में रखना, अभी यहां से आ गया, दिस इज आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन कांस्टेंट, दिस इज द बैकवर्ड डायरेक्शन कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज कॉल्ड एज न्यू कांस्टेंट, और दिस न्यू कांस्टेंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द क्या रेशियो डन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन है नॉट मोल, राइज टू पावर देयर स्टॉइचियोमेट्री डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन राइज टू पावर देयर स्टॉइचियोमेट्री। यस बच्चों लोग, हाँ तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है बच्चों लोग देखो, यस तो ये इक्वेशन मिल रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लगा है, या आप सी के बदले में खाली इक्विलिब्रियम के लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसा लिखा के इक्विलिब्रियम ऐसा लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो एग्जाम के अंदर आपको के आए, के सी आए या के पी आए, पी कब लगाएंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रेशर देखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, वहां पे यदि हम प्रेशर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रेशर लेना है, ठीक है। यस बच्चों लोग समझ में आ रहा है, यस नो बोलते जाओ, ठीक है चलो, हाँ यस वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो बच्चों लोग कि अभी आपको तो इक्विलिब्रियम सॉरी अभी तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ में आया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, खाली टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं आपको, ओके यहाँ पे मान के चलो कि एक ए इट गिव्स बी एक रिएक्शन है, इसकी स्टोइचियोमेट्री एक है, इसकी भी स्टोइचियोमेट्री एक है, आपने एकदम स्टार्टिंग में इसके एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया एकदम टी जीरो पे, यहाँ पे आपको जीरो, और कुछ टाइम बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, यहाँ पे इसके 0.3 मोल बचे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बचा, और इसका 0.7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बन गया, और यहाँ पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे आ गई इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन राइज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्री। तो यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.7, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.3 एट इक्विलिब्रियम, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन कौन सा भी नहीं डालना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन डालना है खाली, क्योंकि बिफोर इक्विलिब्रियम भी उसके कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ रहेंगे, तो वो नहीं लेने आपको, एट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7/3, तो ये आ गया आपका केसी, दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ओके। अभी मान के चलो कि यही रिएक्शन आपने स्टार्ट किया था एक मोलार से, यदि यही रिएक्शन में ए इट गिव्स बी, यही रिएक्शन में आपको दो मोल पे लेके जाता हूं, दो मोलार कॉन्सेंट्रेशन पे, एकदम स्टार्टिंग में दो मोलार कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे मान के चलो कि 50 मिनट बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं, यहाँ पे जीरो, तो सेम टाइम 50 मिनट बाद आपने देखना चालू किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 0.6 मोलार कॉन्सेंट्रेशन इसका बचेगा और 1.4 मोलार कॉन्सेंट्रेशन बी का बनेगा, तो यहाँ पे ये आपका इक्विलिब्रियम वाला केस बना भी, दिस इज द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका बी जो है स्टूडेंट वो आपका कितना है 1.4 डिवाइड बाय यहाँ पे 0.6, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कितना आएगा बच्चों लोग, यस तो 40 डिवाइड बाय 6, तो ये कैलकुलेशन आपका कितना आएगा 7/3 आएगा कि नहीं। आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया है, इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया है, इनिशियल भी कॉन्सेंट्रेशन आपने अलग लिया था, बट रेशो आपका क्या आ रहा है, रेशो मतलब ये आपका केसी, केसी आपका डज नॉट चेंज,
विथ चेंजिंग, विथ चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ओके, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे आपका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट चेंज नहीं हो रहा है. और सेम फॉर मोल भी, मोल भी चेंज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर से आपका आपका रेशो तो वही आएगा. बच्चे लोग समझ में आ रहा है आपको? तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करे, नंबर ऑफ मोल को चेंज करे, आप कुछ भी चेंज करो, वहां पे आपको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के अंदर चेंज दिखने वाला नहीं है. यस बच्चों लोग समझ में आ गया? कितने सारे बच्चों को समझ में आ गया बोलो? यस, टाइम भी दे दूंगा मैं, अभी लिखो इसको, एक मिनट का टाइम दे रहा हूं. अभी आपको लिखना क्या है यहाँ पे, ये बात आपको लिखनी, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये खाली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, नॉट ऑन नंबर ऑफ मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन, इसके ऊपर वो डिपेंड बिल्कुल नहीं है. ठीक है, तो यस ध्यान में रखना है इसको. चलो, तो अभी यहां पे हमें इस टॉपिक के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमें पढ़ना क्या है बच्चों लोग? अभी सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम का तो पता चला बच्चों लोग, अभी आपको दूसरा मतलब समझना पड़ेगा आयोनिक. देखो, मैंने अभी आपको अभी तो खाली इक्विलिब्रियम का मतलब एक्सप्लेन किया है, अभी आयनिक का मतलब समझा देता हूं, क्योंकि हमें टॉपिक जो पढ़ना है वो आयोनिक इक्विलिब्रियम है. इसमें से मैंने आपको इक्विलिब्रियम का मीनिंग एक्सप्लेन किया है अभी तक. ठीक है, मतलब हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चों लोग, टॉपिक को मैंने अभी हाथ नहीं लगाया है, 1% भी टॉपिक को मैंने पढ़ाया नहीं है बच्चों लोग. ठीक है, तो आयोनिक का मतलब यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, अभी आयोनिक स्पीसीज मतलब क्या है? आयोनिक कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या? कि दोज कंपाउंड, ध्यान में रखना है, एकदम परफेक्ट टॉपिक डिलीवर कर रहा हूं. दोज कंपाउंड प्रोड्यूसेस इट्स आयन आफ्टर एडिंग ऑफ वाटर या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको. दोज कंपाउंड प्रोड्यूसेस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. जो भी कंपाउंड पानी के अंदर जाते ही आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपका आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, उसको आप इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे, जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहेगा, और वाटर से पहले वो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा. ठीक है, ठीक है, वाटर के अंदर जाते वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाएगा. ठीक है, तो अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन सी स्पेसिस स्टडी करेंगे स्टूडेंट? विच कंपाउंड अंडर द आयनिक इक्विलिब्रियम, बोलो, अंडर द आयनिक इक्विलिब्रियम. यस, कौन बोलता है? आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कौन से कंपाउंड स्टडी हो जाएंगे बच्चों लोग? कौन से कंपाउंड स्टडी हो जाएंगे बच्चों लोग? यस, कौन बोलता है? ओनली इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमें आयनिक स्पीसीज देखना है ना, मतलब हमें आयनिक कंपाउंड देखने हैं बच्चों लोग. आयनिक कंपाउंड इसके अंदर स्टडी करने हैं. तो फिर हमारे पास अभी ये समझना है कि आपको आयनिक कंपाउंड और नॉन आयनिक कंपाउंड, इसके बीच का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है. मतलब मान के चलो कि CH4 है, पानी के अंदर डालो, ये आपके नो आयन फॉर्मेशन, या आप यूरिया है, पानी के अंदर डालो,
नो आयन फॉर्मेशन, या आपका दूसरा शुगर है वाटर के अंदर डालो, नो आयन फॉर्मेशन, समझ रहे ना? तो ऑल आर द नॉन आयनिक कंपाउंड एंड ऑल दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन आयनिक इक्विलिब्रियम। और ये जो कंपाउंड है नॉन आयनिक, इसका ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव के अंदर आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1 देखा है। मतलब देखो टॉपिक कैसे कोरिलेट हो रहे हैं स्टूडेंट, नॉन आयनिक कंपाउंड ये जो है स्टूडेंट वो आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते कि जिनका आई का वैल्यू नॉट अल्फा, हाँ नॉट अल्फा, यहाँ पे आई और अल्फा में कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चे लोग, क्योंकि आई अलग चीज है अल्फा अलग चीज है, अल्फा इज इक्वल टू 1 ये आपको डिसोसिएशन में यूज करना है, आयनिक कंपाउंड में यूज करना है, ठीक है, और आई इज इक्वल टू 1 ये आपको नॉन आयनिक कंपाउंड में यूज करना है स्टूडेंट, ठीक है। अभी हमारा पूरा फोकस आयनिक कंपाउंड के ऊपर है, पूरा फोकस आयनिक कंपाउंड के ऊपर है, ठीक है, तो पूरा फोकस आयनिक कंपाउंड के ऊपर है। तो आयनिक कंपाउंड कौन कौन से है दुनिया में, कौन कौन से कंपाउंड है कि जो आयनिक है? यस, जो कहता है ना इनको बनाते हैं, बिल्कुल यस, वेरी गुड सिद्धि, NaCl है, यस, और कौन कौन से, MgCl2 है, ओके, और KCl है, और MgCl2 है, ओके, और HNO3 है, वेरी गुड। H2O इज नॉट आयनिक कंपाउंड, H2O आयंस बनाता है बट उसका नंबर बहुत ही कम है निर्मिति संयुक्ता। NaOH है, HNO3 है, H2SO4 है, H2O बहुत ही कम आयन बनाता है, बहुत ही कम है, तो यदि वो आयनिक होता तो फिर कंडक्टर होता ना बच्चों लोग, पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता, बट प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर, ठीक है, बट मिनरल वाटर इज कंडक्टर, हाँ मिनरल वाटर इज कंडक्टर, ध्यान में रखना है, मिनरल वाटर आपका कंडक्टर है बट प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर, ध्यान में रखना है बच्चों लोग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको ये नहीं सर, मैं आपको एक फंडा बताता हूं, आपको ध्यान में कैसे रखना है, अभी तीन बातें बताता हूं यहां पे। पहले तो ऑल एसिड, ऑल एसिड, दूसरी बात है ऑल बेस, तीसरी बात है ऑल सॉल्ट, बात खत्म, बात खत्म, तीन ही बातें बोलना है सुनो कि इलेक्ट्रोलाइट कौन होते, ऑल सब दुनिया के सब एसिड, दुनिया के सब बेस, दुनिया के सब सॉल्ट, चौथा है सेमी सॉल्ट, ऑल सेमी सॉल्ट, बात खत्म, इसके अंदर सब आएंगे फिर, ठीक है। तो हमें वन बाय वन टर्म को देखना है शुरू, हमें वन बाय वन टर्म को देखना है। अभी मैं आपको फिर से इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछने वाला हूं, फिर से इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछने वाला हूं कि जो आप गलत बताएंगे अभी अभी अभी, देखो ट्रेलर देखो अभी, हाँ मैं फिर से आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछने वाला हूं और आप गलत बताने वाले, इसके अंदर कोई डाउट नहीं, एक ट्रेलर दिखा दो आपको, ओके, एक ट्रेलर। अभी पहले बताओ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, पहले ये बताओ कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या हो, क्योंकि मैं आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछने वाला हूं। यस, विद टाइम नो चेंज, दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन, एक मॉडर्न डेफिनेशन बताइए कि जो एक साइंटिफिक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं उसको। यस, यस, क्या हो जाएगा बच्चों लोग, एक मॉडर्न डेफिनेशन बताइए कि जो एक साइंटिफिक डेफिनेशन हो सकती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, वेरी गुड सिद्धि, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आप, और क्या बोल सकते हैं संयुक्ता सिद्धि, यस, ये तो हुआ एकदम, मतलब एकदम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो एकदम करेक्ट है, आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे बच्चे लोग, बट आप इक्विलिब्रियम का मीनिंग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या सोच रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में,
ये तो आपके बोर्ड के अंदर व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो आप ऐसा बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन विद टाइम नो चेंज, ये लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क आएंगे, 100 से 100 आएंगे, मतलब 100% आपका क्वेश्चन करेक्ट आएगा। बट एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच आपको है तो आप इस इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या बताएंगे? और ये तो करेक्ट है, ठीक है, और क्या बता सकते हैं आपको इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत सारा ऐसा एक पेज लिखना है पूरा, तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर बोल? बहुत बड़ा ऐसा पेज लिखना है, 10 मार्क के लिए आपको इक्विलिब्रियम की कहानी लिखने के लिए आया, लिखो शिवाजी महाराज, तो आप क्या लिखेंगे? शिवाजी महाराज का नाम ये था, शिवाजी महाराज का माँ का नाम ये था, शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम ये था, शिवाजी महाराज के बेटे का नाम ये था, शिवाजी महाराज का बेबी का नाम ये था, शिवाजी महाराज के मिसेस का नाम ये था, ऐसा बहुत सारी कहानी कर सकते आप। ओके, जिनको कुछ कहा उसने, वो लड़ाई की, कहा उसने वो ये किया वो किया, वो आपको पता नहीं तब भी आपको मार्क मिलेंगे, बोर्ड है ना, कुछ भी लिख सकते हैं शिवाजी महाराज के अंदर। तो फिर ऐसा समझो कि इक्विलिब्रियम के अंदर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये तो आपका एक सेंटेंस हुआ, आपको तो क्वेश्चन 10 मार्क का है, तो आप बाकी का क्या लिखेंगे बोलो? यस, आप बाकी का क्या लिखेंगे? बच्चों लोग, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के अंदर दिक्कत है, यही तो मैं चाहता हूं श्रण, यही तो। यस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन ऑकर एट सेम इक्वल रेट, वेरी गुड। ओके, ये एक स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हैं निर्मिति, वेरी गुड। ओके, और क्या? दो तीन स्टेटमेंट आपने बोल दिए, पहले तो विद टाइम नो चेंज, दूसरा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तीसरा आपका द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन ऑकर इक्वल रेट। ये आपके तीनों स्टेटमेंट एकदम 100% करेक्ट है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। ओके, तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, और एक चौथा स्टेटमेंट कौन बोलेगा? चौथा बोलो, फिफ्थ बोलो, सिक्स बोलो, सेवंथ बोलो, बहुत सारे बोल सकते, मैं अभी बोलूंगा, देखो। यस, मैं बोलू अभी? आदित्य, इक्विलिब्रियम बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हम रिएक्शन देख रहे हैं ना, तो सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच तो कोई रिएक्शन होती नहीं, केमिकल सोल्यूट सॉल्वेंट का नहीं बोल सकते। निर्मिति, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, ये थोड़ा स्टेटमेंट आप ऐसा बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस रेशियो इज नॉट चेंज बाय एडिंग एनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और एनी अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यस, मतलब रिएक्शन के अंदर आप रिएक्टेंट भले ही ऐड कर रहे या आपका प्रोडक्ट ऐड कर रहे तो उसका रेशियो चेंज होने वाला नहीं है, पी बाय आर रेशियो इज इक्वल टू 1 बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि दिस रेशियो इज नॉट इज इक्वल टू द ऑलवेज 1, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट ये रेशियो आपका ऑलवेज 1 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, यस, संयुक्त क्या? ओनली चेंज व्हेन टेम्परेचर चेंज, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने ऊपर का एक जो पॉइंट है बच्चों ने बोला क्या कि बैलेंस इच अदर, बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस नहीं बोल सकते, बैलेंस तो हर पी केमिकल रिएक्शन है ना, बैलेंस तो हमें करना ही पड़ेगा, विदाउट बैलेंस तो हम कुछ करेंगे ही नहीं बच्चे लोग। यस, बोल देता हूं, देखो। यस बच्चे लोग, यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखो कि आपको यदि कोई रिएक्टेंट है उसमें से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि यहां पे आपका रिएक्टेंट भी कुछ है और प्रोडक्ट भी कुछ है, यस सिद्धि, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस,
पी बाय आर डज नॉट चेंज विथ चेंजिंग नंबर ऑफ मोल्स एंड चेंज इन नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. यस निर्मिति एकदम परफेक्ट. निर्मिति का स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. केमिकल रिएक्शन डज नॉट कन्वर्ट ऑल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. वेरी गुड. यही मैं चाहता था, यही स्टेटमेंट का वेट कर रहा था मैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसका मतलब है यहां पे रिएक्टेंट कुछ है और यहां पे प्रोडक्ट भी कुछ है और ये दोनों बातें यहां पे इक्विलिब्रियम पे होना मस्ट है. क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों लोग, पहले रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट जरूर होता है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये जीरो हो जाता है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनता है. यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाता है. वैसे इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में किसी का कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं होता. ध्यान में रखना है इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन कि नो एनी आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इट्स कॉन्सेंट्रेशन बिकम टू जीरो. कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम को शो कर रही है तो वहां पे आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो कभी नहीं रहेगा. यदि वो इक्विलिब्रियम पे है उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, या तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन शो करेगा. कंप्लीट वाली रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है बच्चों. कंप्लीट में क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम जाने के बाद आपका रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूम हो जाता है. समझ रहे हैं ना बच्चों लोग? बच्चों लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यस समझ में आया? क्या क्या बातें बताना है? यस अभी आपके दिमाग में बोलो, इक्विलिब्रियम के अंदर आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है? यस कि आप नंबर ऑफ मोल्स भले बीच में रिएक्टेंट के बढ़ाए प्रोडक्ट के बढ़ाए तो आपका रेशियो चेंज होने वाला नहीं है, एनी हाउ. ओके या नंबर ऑफ मोल बढ़ाओ या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, रेशो आपका बिल्कुल वही रहेगा जो आपका पहले था. ठीक है. दूसरी बात, यहाँ पे रिएक्शन के अंदर किसी भी रिएक्टिंग या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं होगा. मतलब ये रिएक्शन नॉट 100% कंप्लीट, नॉट 100% कंप्लीट. और ये रिएक्शन जो है ना स्टूडेंट, वो मान के चलो कि अभी यहाँ पे ए का बी में जा रहा है, मान के चलो कि ये 0.3 और यहाँ पे आपका 0.7, ये इक्विलिब्रियम पे. यस और अभी इक्विलिब्रियम ये एक बीकर के अंदर है, ए बी है, बी बी है, ए कितना है 0.3, बी कितना है 0.7. तो फिर यहाँ पे आपने ऊपर से बी को ऐड किया और एक मोल ऐड किया, तो बी का 0.7 प्लस 1 मोल तो 1.7 मोल हो जाएगा. तो फिर बी के मोल तो बढ़ गए, तो फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलने लगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगी. कब तक चलेगी? जब तक यहां पे आपका 1.4 और यहां पे आपका 0.6 मेंटेन नहीं होता, तब तक वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगी. समझ रहे ना? मतलब आप यदि रिएक्टेंट डाल रहे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यदि आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर. और कब तक चलेगी प्रोडक्ट के अंदर? जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आती. और यदि आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे तो आपका फिर से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी. कब तक चलेगी? जब तक उसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता. समझ रहे ना बच्चों? कब तक चलेगी? जब तक उसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता, तब तक वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी. मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यदि आप कोई रिएक्टेंट ऐड कर रहे या प्रोडक्ट ऐड कर रहे, यदि रिएक्टेंट ऐड कर रहे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यदि प्रोडक्ट ऐड कर रहे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी. और कब तक चलेगी? जब तक उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश नहीं होता. यस बोलो. यस नो. यस नो.
यस, मतलब रिएक्शन प्रोसीड आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, इट डिपेंड ऑन विच इज एडेड इन दैट बीकर। रिएक्शन किस साइड पे प्रोसीड करनी है वो किसके ऊपर डिपेंड है आफ्टर इक्विलिब्रियम। यदि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद रिएक्शन को आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, मतलब आपको रिएक्टेंट साइड में लेके जाना है, प्रोडक्ट साइड में लेके जाना है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन ऐड कर रहे हैं। यदि आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो सीधा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यदि आप रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं तो सीधा वो प्रोडक्ट में जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक उसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक वो जाती रहेगी। यस बच्चों लोग समझो, यस नो। बच्चों लोग समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बोलो? सब समझ में आ रहा है? कोई डाउट? बिल्कुल, अभी मुझे कोई डाउट नहीं चाहिए बच्चों लोग, क्योंकि देखो अभी टॉपिक को हम बहुत ही स्लो पढ़ाएंगे, आपके हिसाब से पढ़ाएंगे, आप बताते जाइए खाली मुझे। यस एनी डाउट? ठीक है, वेरी गुड। अभी मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से बताए बोलो, आयनिक कंपाउंड कौन कौन से बताए बोलो, आयनिक कंपाउंड मैंने कौन कौन से बताए आपको, ऑल एसिड, ऑल बेस, ऑल सॉल्ट, यस और नो? हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ ना, एसिड के बायफर्गेशन करेंगे फिर हम एसिड को देखेंगे हम, यस सेमी सॉल्ट भी होता है, वेरी गुड। यस, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों लोग कि यस, हाँ यस, अभी मुझे एक बात बताओ कि एसिड जो है, एसिड तो ये जो एसिड है ये आपका दो टाइप का है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। यस बच्चों लोग बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या? यस, तो एसिड और बेस को है ना स्टूडेंट, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है इसको, जो है एसिड और बेस को, एसिड एंड बेस डेफिनेशन, ये आपको अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया है। तो हर एक साइंटिस्ट का हम यहां पे देखेंगे कि एसिड के बारे में उनकी क्या राय थी, ठीक है, एसिड के बारे में उनकी क्या राय थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे बच्चों लोग कि आप यहां पे पहला जो एसिड का थ्योरी है, एसिड बेस थ्योरी, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है ऑरिनियस एसिड बेस थ्योरी, ऑरिनियस थ्योरी, या आप एसिड ऑरिनियस एसिड बेस थ्योरी ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑरिनियस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। अभी ऑरिनियस साहब ने क्या बोला एसिड के बारे में, बहुत ही सीधा था, उसने बोला कि दो कंपाउंड विच गिव्स एच प्लस आयंस इन वॉटर, जो भी कंपाउंड पानी के अंदर एच प्लस आयन देंगे उनको एसिड बोलना है। बोलो एसिड मतलब क्या? दो कंपाउंड विच गिव्स एच प्लस आयन उसको एसिड बोलना है। तो बोलो अभी यहां पे आपने HNO3 पकड़ के लाया, पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर उसका H+ दिखा, NO3-
तो ये एच प्लस का नंबर और एनओ थ्री का नंबर, ये सब पानी के अंदर था। तो ये जो आपका यहाँ पे लिटमस पेपर आपने पता होगा स्टूडेंट, लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर हम यूज करते हैं, एसिड को आपको डिटेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये डिटेक्शन टेस्ट भी बताऊंगा कि आपको कौन सा लिटमस कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले तो हम थ्योरी को समझेंगे बहुत अच्छा सा। ठीक है बच्चों लोग, पहले तो हम थ्योरी को बहुत अच्छा सा समझेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यस बच्चों लोग सो गए? यस नो यस वेरी गुड। अभी देखो बच्चों लोग तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों लोग, एसिड का तो अभी हुआ। अभी एसिड जो है सुन, अभी कौन कौन से एसिड है आपको पता है कि जनरली इनऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक ध्यान में रखना है, इनऑर्गेनिक एसिड, तो इसको थोड़ा बाद में देखेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ओके, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होने के बाद डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे H2SO4 है, पानी के अंदर डाला तो आपका क्या मिला, यहाँ पे 2H+ मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला, SO4-, इसलिए हम H2SO4 को एसिड बोलते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड को भी हम एसिड बोलते हैं, या आपके पास एसिटिक एसिड होता है इसको पानी के अंदर डालो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, H+ मिलेगा और बाकी का आपका अनायन फॉर्म बनेगा। यस बच्चों लोग, यस बोलो, यस और नो वेरी गुड। ओके, तो देखो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं बच्चों लोग, यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, देखो तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं बच्चों लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। ठीक है, तो अभी स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या बच्चों लोग, बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, ये आरएनएस थ्योरी चल रही है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या कि दोज एसिड 100% आयोनाइज। बोलो इसका मीनिंग क्या है, दोज एसिड 100% आयोनाइज। बोलो इसके ऊपर आपको बहुत बड़ा एक पेज आंसर लिखना है इसका। बोलो क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब दोज एसिड विच 100% आयोनाइज, इसका मतलब क्या है बोलो, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना है बच्चों लोग, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना है। आप बोलेंगे सर साइंटिफिक लैंग्वेज मतलब क्या, बताता हूं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, यस कौन बोलता है, मैं बोलू, यस 100% डिसोसिएशन। ओके वेरी गुड 100% डिसोसिएशन। ओके और क्या, 100% डिसोसिएशन वेरी गुड। और रविराज और क्या, दूसरा पॉइंट, अभी तो 10 मार्क का क्वेश्चन है, हाँ अभी तो एक सेंटेंस से तो काम चलने वाला नहीं है। सिद्धी, अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू 1, वेरी गुड। ओके तीसरा पॉइंट, अभी हमें 100 मार्क लाने हैं बच्चों लोग, 2 पॉइंट से काम चलने वाला नहीं है। और यस 100% डिसोसिएशन होगा। ओके और स्टूडेंट, देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यस वेरी गुड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके चलो, अभी आपको 10 मार्क लाने हैं तो फिर अभी स्टेटमेंट को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके और क्या बच्चों लोग, यस बोलू, आई इज इक्वल टू 1 नहीं बोल सकते, आई तो वो तो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है बच्चों लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई की वैल्यू इज इक्वल टू एन डैश की वैल्यू, ऐसा बोल सकते फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हा
ये फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये तो आपका आई इज इक्वल टू वन तो यहां पे आएगा ही नहीं, अल्फा नॉट मोर देन वन, हा ओके, तो ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट हुआ, यूनिवर्सल स्टेटमेंट हुआ। मान के चलो कि अभी आपको शिवाजी महाराज के बारे में बोलना है, तो शिवाजी महाराज को दो आंखें थे, ये स्टेटमेंट तो आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, दो हाथ थे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि दिस इज द यूनिवर्सल ना, अल्फा नॉट मोर देन वन, दिस इज द यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ये सबके लिए है बच्चों, इसमें से कोई भी नहीं बचेगा। ऋतुजा, समझ में आया, दिस इज द यूनिवर्सल स्टेटमेंट, आपको पर्टिकुलरली इसके बारे में बोलना है। ओके, मैं बोलूं स्टूडेंट, ये रिएक्शन के अंदर आपका रिएक्टेंट कुछ नहीं बचेगा एट टाइम टी के बाद, रिएक्टेंट आपका कुछ नहीं बचने वाला, नो एनी रिएक्टेंट रिमेन्स बिहाइंड आफ्टर द कंप्लीटिंग द रिएक्शन, आपका रिएक्टेंट यहां पे कुछ नहीं बचने वाला बच्चों लोग, तो बोलो स्टूडेंट दिस रिएक्शन इंक्लूडेड इन इक्विलिब्रियम, यस और नो, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेरी गुड आरती, दिस रिएक्शन इज ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब हम यहाँ पे और एक पॉइंट एड कर सकते हैं आरती, कौन सा, कि ओनली रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ऑब्जर्व, हम यहाँ पे खाली रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑब्जर्व करेंगे, समझ रहे ना बच्चों लोग, हम यहाँ पे खाली रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, यस, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके ओके, आर यस, यहां पे आप बात क्या बोल सकते कि रिएक्टेंट अभी यहां पे कुछ तो बचने वाला नहीं है, तो बोलो स्टूडेंट दिस रिएक्शन इज इंक्लूडेड इन इक्विलिब्रियम, यस और नो, ये जो स्ट्रांग एसिड वाली, यस, दिस रिएक्शन इज नॉट अंडर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, मतलब आयोनिक है बट इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आएगी, तो फिर इक्विलिब्रियम के अंदर कौन नहीं आएंगे, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो नहीं आएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट में से कौन नहीं आएंगे, जो स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग बेस है और ऑल सॉल्ट, ध्यान में रखना है बच्चों, स्टेटमेंट नोट करके रखना है कि विच रिएक्शन इंक्लूडेड इन आयनिक इक्विलिब्रियम, कौन सी रिएक्शन है कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आएंगी, पहला दो रिएक्शन आर नॉट प्रोड्यूसेस इट्स ओन आयन, पहली बात, दूसरी बात कि जो आपके 100% डिसोसिएट होती है, मतलब स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस 100% डिसोसिएट होते हैं, और सब सॉल्ट ध्यान में रखना है, सब सॉल्ट सेमी सॉल्ट 100% डिसोसिएट हो जाते हैं बच्चों, 100% डिसोसिएशन जिनका होता है वहां पे रिएक्टेंट के अंदर कुछ नहीं बचता, और अभी अभी हमने देखा स्टूडेंट कि इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बचता है और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी बचता है, यस यस स्टूडेंट, यस बच्चों लोग, यस नो यस नो यस नो यस नो, हा नहीं हा नहीं हा नहीं, यस नो और नो, फटाफट 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 बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, यस कंप्लीट, समझ में आया, किसी को कुछ दिक्कत, दिक्कत वाली बात है, इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब पे डाला हुआ है, जिनका मिस हुआ है वो देख लीजिए, जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, यस, तो एनी डाउट, अभी तक कोई डाउट, अभी इससे स्लो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा बच्चों लोग, ठीक है, दिस इज द स्लोएस्ट स्पीड, ये दुनिया का सबसे कम स्पीड है और यही स्पीड से हम जाएंगे, ठीक है बच्चों लोग, ठीक है, तो अभी 6:30 डाउट क्लियरिंग होने वाला है आपका इक्विलिब्रियम का, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाउट क्लियरिंग होने वाला है, ठीक है, तो 6:30 कंप्लीटली आना है
और 1 घंटे का डाउट पेयरिंग रहेगा, उसके अंदर जो भी आपके बचे डाउट है उसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है बच्चे, चलो चलो, तो जय महाराष्ट्र करे फिर।